उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय अपने सीपीएससी पूर्वोत्तर हस्तशिल्प और हथकरघा विकास निगम लिमिटेड के माध्यम से उत्तर पूर्वी महोत्सव 2024 का आयोजन कर रहा है। पूर्वोत्तर भारत के समृद्धि को दर्शाने वाला 5 दिवसीय सांस्कृतिक उत्सव 13 से 17 जनवरी 2024 तक नई दिल्ली स्थित प्रगति मैदान में भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा। उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार ने आज मीडिया को उत्तर पूर्वी महोत्सव के पहले संस्करण के बारे में जानकारी दी। चंचल कुमार ने बताया कि इस महोत्सव को एक स्थान पर पूर्वोत्तर भारत की पारंपरिक कला शिल्प और संस्कृतियों के मिश्रण वाली समृद्ध विविधता को प्रदर्शित करने के लिए सावधानी पूर्वक तैयार किया गया है। एक सांस्कृतिक पचिकारी मोजेक के रूप में कल्पना किया गया है। उत्तर पूर्वी महोत्सव एक उत्सव से कहीं अधिक है। मीडिया को संबोधित करते हुए चंचल कुमार ने बताया कि यह महोत्सव आर्थिक अवसरों का मंच है। इस महोत्सव का उद्देश्य पारंपरिक हस्तशिल्प, हथकरघा, कृषि उत्पादों और पर्यटन की पेशकशों में आदान प्रदान को बढ़ावा देना है, जो क्षेत्र की वृद्धि और विकास के लिए उत्प्रेरक बन सकता है। डोनर मंत्रालय के सचिव ने बताया कि 250 बुनकर, किसान और उद्यमी महोत्सव में भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि महोत्सव के दौरान पैनल चर्चा और क्रेता विक्रेता बैठकें आयोजित की जाएंगी। उन्होंने कहा कि पारंपरिक नृत्य, मंत्रमुग्ध करने वाले अभिनय और क्षेत्र की समृद्धि सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन महोत्सव का मुख्य आकर्षण होगा। इस मौके पर एक वीडियो फिल्म भी जारी की गई। जैसा कि मैंने पहले बताया था, उत्तर पूर्वी महोत्सव जो हम लोग 13 जनवरी से 17 जनवरी तक प्रगति मैदान में जिसका आयोजन किया जा रहा है, इसमें 8 राज्य के जो प्रमुख विविधताओं को हम दर्शा सकते हैं उनको हम दर्शा रहे हैं। इसमें वहाँ की खान पान की व्यवस्था, वहाँ के कपड़े, वहाँ पर जो आर्थिक अवसर हैं लोगों को जाने के लिए, वहाँ के युवा के बीच में क्या चीज़ हम कर रहे हैं, उन सभी बातों को लेकर हम यहाँ आएंगे। एक अच्छा मौका होगा जब देश की जनता देख पाएगी कि हमारे उत्तर पूर्वी क्षेत्र में हमने क्या क्या काम किए हैं। सरकार की प्राथमिकताओं में, जैसा मैंने बताया, सरकार की प्राथमिकताओं में से ये बहुत ऊपर है कि हम उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास के लिए न केवल संसाधन मुहैया करवाएं, बल्कि उनको हम विकसित भारत के सपने को देखते हुए उसको इंटीग्रेट भी करने के लिए उनके वो व्यवस्था करें और वो सारी गतिविधियां करें। इसी को ध्यान में रख के हम लोगों ने ये बड़ा बृहद आयोजन किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि कई लोग जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र की विविधताओं को, वहाँ के महत्व को, वहाँ के पर्यटन की संभावनाओं को, वहाँ के अवसरों को नहीं जानते हैं, इन सभी चीज़ों को जानने का उनके लिए एक अच्छा अवसर मिलेगा। और ये टू वे ट्रैफिक होगा। जब आप किसी को जानते हैं, क्रेता विक्रेता, जब आप एक को जानते हैं तो दूसरा भी आपको जानेगा और ये जो हमारे सिनर्जी है उसको बढ़ाएगा, वहाँ पर जो हमारे आर्थिक विकास उसको और ये बढ़ावा देगा। NBC News के लिए नई दिल्ली से ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट।